पानीपत में शनिवार को हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्री अनिल विज के दौरे से पुलिस विभाग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब उन्होंने एक्शन में आते हुए दो पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। दरअसल हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने शनिवार को अम्बाला से दिल्ली जाते हुए पानीपत थाने का अचानक दौरा किया, जहाँ मौके पर SHO समेत कई पुलिस कर्मचारी गैर हाजिर मिले। कर्मचारियों की इस लापरवाही पर विज ने कार्रवाई करते हुए दो पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। इस मौके पर विज ने थाने में मौजूद लोगों की समस्याओं को भी सुना और तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ऐसा प्रतीत होता कि आने वाले दिनों में हरियाणा को अपराध मुक्त राज्य बनाया जा सकेगा। बता दें, शप्त ग्रहण वाले दिन शाम को ही PWD रेस्ट हाउस में उन्होंने अपने सभी अधिकारियों को ये सचेत कर दिया था और आदेश भी दे दिए थे कि अगर सही ढंग से काम नहीं किया तो अपने घर वो रिटायरमेंट लेकर बैठ जाएं। आज की घटना से ये प्रतीत होता कि आने वाले दिनों में हरियाणा को स्वच्छ प्रशासन मिलेगा और ये अनिल विज का सबसे पहला छापा था होम मिनिस्टर बनने के बाद। डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।